यूएसए का वीजा दोस्तों 15 से 20 हजार रुपए के अंदर मिल जाता है। और ऐसे ही दोस्तों कनाडा का है, 15 से 20 हजार रुपये ज्यादा खर्चा नहीं आता, और छोटे मोटे खर्चे भी डाल के मैं बता रहा हूँ। यूके का भी ऐसे है, शंजन का भी ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी कंट्रियों का दोस्तों ऐसे है, 20 हजार के अंदर आप वीजा ले सकते हैं। आज की बात भी यूएसए और कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जाने वालों के लिए है कि जो लोग फ्री के बराबर जा सकते थे स्टडी वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पे, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं, लेकिन गलत ही तरीके से लोग हमारे जाते हैं। 40 लाख, 50 लाख, ज्यादातर मैंने देखा है कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात, बहुत सारे लोग इन स्टेटों के ऐसे हैं हमारे कि ये नहीं देखते। काफी लोग ऐसे हैं कि जैसे उनकी स्टडी अच्छी होती है और उनके पास ज्यादा 1-2 साल का गैप होता है, या गैप भी नहीं होता, लेकिन वो लोग स्टडी पे जा सकते हैं। यूएसए की स्टडी दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए के अंदर आप यूएसए जा सकते हो। काफी लोग ऐसे हैं कि यूएसए की जो स्टडी होती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हो और आपको पता नहीं होता, लेकिन हमारे लोग क्या हैं, ऐसे ही कनाडा में है कि काफी लोगों की फाइल ऐसी होती है कि कनाडा का स्टडी वीजा लग सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी लग सकता है। यूरोप का दोस्तों तो बिल्कुल ही आसान है, यूरोप का वीजा तो चाहे आपके पास 5-7 साल का गैप है तब भी लग जाता है। यूरोप के अंदर दोस्तों स्टडी की कोई फीस नहीं है, यूरोप के अंदर स्टडी फ्री है। शंजन के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, और भी दोस्तों आप शंजन के अंदर चेक करोगे बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनके अंदर स्टडी फ्री है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि 5-7 साल का गैप भी होगा प्लस टू के बाद, तब भी आपका यूरोप का शंजन का यानी कि स्टडी वीजा आपको मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि हमारे लोग सिर्फ यही देखते हैं, प्लस टू करते हैं, काफी लोगों के नंबर थोड़े ठीक होते हैं, तो दोस्तों ये यूरोप में अगर स्टडी वीजा पे चले जाएं तो आपके बहुत सारे वे बन जाते हैं। आप एल सल्वाडोर, मेक्सिको, सभी की तरफ आप ट्रेवल कर सकते हैं। काफी लोगों की ऐसी फाइल होती है, मैंने खुद देखा है, मैंने सर्च किया उनकी फाइल के ऊपर कि उन्हें कनाडा का वीजा आराम से लग सकता था, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आराम से लग सकता था, और तो और शायद यूएसए का वीजा भी काफी लोग ऐसे हैं कि जिनको आराम से मिल सकता था, लेकिन उनके दिमाग में दोस्तों सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमने जाना है, जैसे वे बस ज्यादा टाइम नहीं लगाना, और एजेंट करते हैं दोस्तों 40 लाख, 50 लाख दे के और उड़ने की करते हैं। और काफी लोग ऐसे हैं कि फंस भी जाते हैं और काफी सारा टाइम खराब भी होता है, लेकिन मेरे कहने का मकसद यही है कि पहले आप अपनी फाइल दोस्तों चेक किया करो कि आप किसी कंट्री के अंदर जेन्युइन तरीके के लिए एलिजिबल हो। अगर उसके लिए आप एलिजिबल हो अपनी स्टडी के लिए, तो आपको सबसे इजी रास्ता है आपका यूएसए, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आप आसानी से जा सकते हो। और सबसे आसान तरीका बताऊं आपको दोस्तों, आपका 5-7 साल का गैप भी होता है ना, तो आप यूरोप शानगन के अंदर अपनी स्टडी वीजा जिन्होंने प्लस टू कर रखी है आप ट्राई किया करो, आपको काफी हद तक वीजा, आपको स्टडी वीजा मिल सकता है। अगर आप यूरोप में पहुंच जाते हो तो आपको बहुत सारे वे आपके पास बन जाते हैं अगर कहीं आप आगे जाना चाहते हो। यूके के अंदर भी आपका स्टडी वीजा आसानी से हो सकता है। और दोस्तों जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप स्टडी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपकी नॉर्मल 10th है, आपकी मैट्रिक है, यानी कि आपकी प्लस टू है, आपने काफी टाइम हो गया है, तो आप दोस्तों जो मैंने पहले बताया था कि हमारे पास ऐसे पार्ट है कि आप अपने ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ। ट्रेवल हिस्ट्री आप बनाओगे थाईलैंड दोस्तों, इंडिया से थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इस पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट जो होगा दोस्तों, इंडिया से लेके अपना यूएई, यूएई, अजरबैजान, यूरोप का जो पास वाला पार्ट है इसके पास हम ट्रेवल कर लेंगे, फिर वापसी इंडिया आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो पार्ट है यूरोप का, ये वाला पार्ट दोस्तों हम यूरोप के पार्ट को तीसरे पार्ट में टूर पैकेज के जरिए इसको कवर कर लेंगे, और जो लोग यूरोप के अंदर ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। और यूरोप के बाद दोस्तों यूरोप का वीजा, शंजन वीजा आपके पासपोर्ट पे मिल जाता है, तो आपको दोस्तों हम जो साउथ अमेरिका की जो ये कंट्री है यूएसए के पास, मेक्सिको या ब्राजील, जोआना, पेरू, कोलंबिया या सन सल्वाडोर, इन तरफ का भी हम टूर पैकेज बना सकते हैं।
लेकिन आसानी से हम तभी इन कंट्रियों के अंदर जाएंगे अगर मान लो हमारे पास पहले ट्रेवल हिस्ट्री होगी और हमारे पासपोर्ट की दोस्तों वैल्यू अच्छी बन जाएगी, तभी हम इन कंट्री में दोस्तों आगे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई क्या हम कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का यही मतलब है कि आप पहले स्टडी वीज़ा ट्राई किया करो, अगर आप उसके लिए नहीं आपकी एज कम है तो आप धीरे धीरे करके ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ, ट्रेवल हिस्ट्री के बाद दोस्तों आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो, यूएसए का वीज़ा दोस्तों 15,000 से 20,000 रुपये के अंदर मिल जाता है, और ऐसे ही दोस्तों कनाडा का है 15,000 से 20,000 रुपये, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, और छोटे मोटे खर्चे भी डाल के मैं बता रहा हूँ। यूके का भी ऐसे है, शंजन का भी ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सभी कंट्रियों का दोस्तों ऐसे है, 20,000 के अंदर आप वीजा ले सकते हैं। बाकी टिकट देख लो दोस्तों आप, ये सिर्फ पहले ही अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाओ, अगर आप पहले एलिजिबल हो स्टडी के लिए, अपने बच्चों को या अपने आसपास और भी लोगों को बताओ, पहले चेक कराया करो किसी अच्छे कंसल्टेंसी से। और दूसरों, अब आपके भाई जी ने एक जो कंपनी खोली है उसका नाम है SM ओवरसीज टूर एंड ट्रेवल, SM टूर ट्रेवल के नाम से भी आप कह सकते हैं। तो जो भी आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड कराया करूंगा वो दोस्तों SM टूर ट्रेवल के नाम से आपको मिला करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को जो हमारे लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।